من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज जो टेस्ट हुआ है बायोलॉजी की एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने अपना जो कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ था उसके मुताबिक कि आपके कितने एमसीक्यूज हैं वो करेक्ट हैं और कितने एमसीक्यूज हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपसे गलत हुए और क्यों हुए, आसान थे या मुश्किल थे या रट्टा बेस थे। सो अब देखते हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेगोसाइटिक सेल्स, ऐसे सेल जो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। दो ही सेल्स हैं जो कि फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, एक है न्यूट्रोफिल्स और एक है मैक्रोफेज। फेगोसाइटोसिस के बेस पे ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन डी है। दूसरा एमसीक्यू दिया हुआ है लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। आप लोगों को पता है गॉल्जी बॉडी के लाइसोसोम जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो कि गॉल्जी बॉडी से ही डिराइव होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू दिया हुआ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स इन लिपिड्स। गॉल्जी बॉडीज जो है वो असल में इन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट, उसको मॉडिफाई करना और उसको पैक करना, सिक्रीट करना, ये गॉल्जी बॉडी का काम है। एमसीक्यू फोर दिया हुआ है आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल सो दैट्स प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू फिफ्थ पे आते हैं, सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल लाइसोसोम। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट में इनका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, हाइड्रोलैक्टिक वीक्यूल जो है इनका फंक्शन परफॉर्म करता है, हाइड्रोलैक्टिक वीक्यूल। वीक्यूल कई टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक हाइड्रोलैक्टिक वीक्यूल है और एक हमारे पास दूसरा वीक्यूल भी है जो कि वेस्ट को भी स्टोर करने वाला है, फूड को भी स्टोर करने वाले होते हैं। कंट्रेक्टाइल वीक्यूल भी पाए जाते हैं, सो कई टाइप्स होते हैं। एमसीक्यू सिक्स पे आते, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स। सेवन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल, सो काइटिन दैट्स प्रेजेंट इन फंजाई। सो ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू फिफ्थ दिया है सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल सेल में हो प्लांट में ना हो। तो प्लास्टिड तो प्लांट्स में है ना, वो कह रहा है कि एनिमल सेल में हो प्लांट में ना हो, तो प्लास्टिड तो प्लांट में है। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल्स में मौजूद हो लेकिन प्लांट में ना हो। तो लाइसोसोम तो एनिमल्स में है, प्लांट में नहीं है। कौन सा एनिमल में प्रेजेंट है? तो जो हमारे पास लाइसोसोम्स है वो एनिमल्स में है, प्लांट में नहीं है। एमसीक्यू एट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोट्राइग्लिसराइड। आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फोट्राइग्लिसराइड में एक फैटी एसिड रिप्लेस होता है तो फॉस्फोडाइग्लिसराइड बनेगा और फिर उसके साथ डेरिवेटिव्स अटैच होंगे, फिर वो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोसाइटिलकोलीन या लेसिथीन या इनोसिटोल्स वगैरह। स्फिग्नोलिपिड्स, फॉस्फोसाइटिलकोलीन्स, लेसिथीन्स, ये डेरिवेटिव्स है स्फिग्नोलिपिड्स। नाइंथ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी, बीटा सेल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेंथ दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलेवेंथ नंबर दिया हुआ है नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, सो ग्लाइकोजन, और प्लांट में स्टार्च। ट्वेल्थ दिया हुआ है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस, पेप्टाइड बॉन्ड किस चीज के दरमियान बनता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा
पेप्टाइड बॉन्ड्स की सिंथेसिस के बारे में। ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है। सो इन दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक से और हाइड्रोजन जो है दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप से सो डिहाइड्रेशन होती है और इसमें एक होता है एन टर्मिनल साइड और एक होता है सी टर्मिनल साइड। सो नेक्स्ट अमाइनो एसिड कहां पे अटैच होता है? सी टर्मिनल साइड्स पे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लास्ट फ्रॉम इट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड हाइड्रोजन एटम इज लास्ट फ्रॉम इट्स अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तर्किन दिया हुआ है ट्राइपेप्टाइड हिज 1, 2, 3। याद रखें पेप्टाइड टर्म इज एक्चुअली यूज फॉर अमाइनो एसिड्स। सो कह रहे हैं कि ट्राइपेप्टाइड मीन थ्री अमाइनो एसिड और टू पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन्स कंप्लीट प्रोटीन्स वो कंजुगेटेड में नहीं आते। बाकी सारे कंजुगेटेड प्रोटीन है लाइपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन है और मेटालोप्रोटीन मेटल्स और प्रोटीन है। 15 दिया हुआ है विच पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड गिव इट्स यूनिकनेस। सो साइड चेन अल्काइल ग्रुप जिसे कहते हैं जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है। एमसीक्यू 16 दिया हुआ है व्हाट इज द नेचर ऑफ एन एंजाइम दे आर प्रोटीन इन नेचर। सो ऑप्शन 15 के साइड चेन सी साइड चेन मीन अल्काइल ग्रुप गलत है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एंजाइम्स दे आर प्रोटीन इन नेचर। 17 है व्हाट इज इन एपो एंजाइम्स सो इट इज अ प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम्स बिकॉज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम्स। 18 नेम द एंजाइम सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास ट्रिप्सिनोजन और 19 है नेम द एंजाइम विच कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज। 19 तक क्लियर है? ओके वो इंटेस्टाइन रिलीज करेगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 20 मार्क द करेक्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम पेप्टाइडेज सो दे क्लीव अमाइनो एसिड। ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना पेप्टाइड बॉन्ड इसको क्लीव करेगा ताकि मोनोमर्स बन जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 द रेस्पिरेटरी चेन द बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मीजोसोम ए। 22 ग्लाइकोलाइसिस कैन अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक डी। 23 फास्फोरस इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑफ दीस। 24 ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेफर टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 व्हाट डज अ वायरल डीएनए बिकम आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम दैट्स कॉल्ड प्रोफेज। 26 peptidoglycan layer इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शन ए। 27 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आउटर लिपोपोलीसेकेराइड लेयर्स। सच है? टेन पेप्टिडोग्लाइकेन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्यों है? टेन पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से या आउटर लिपोपोलीसेकेराइड लेयर की वजह से आउटर पुलिस लाइप पुलिस क्राइड लेयर की वजह से। ट्राइक्लोइक एसिड और लाइपोट्राइक्लोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होते हैं और पुरीन जो है वो ग्राम नेगेटिव में होते हैं। ये हमारे पास रिसेप्टर्स का काम करते हैं और बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रोल नहीं होता सेल मेम्ब्रेन में। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग अम्यूनोग्लोबुलिन इज आल्सो कॉल्ड सेक्रेटरी अम्यूनोग्लोबुलिन अम्यूनोग्लोबुलिन ए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
29, which of the following is an immunosuppressant drug? Cyclosporine. 30, lymphoid organs are not responsible for destruction of lymphocyte. So option C is correct. Cyclosporine is a common thing. MHC, जब हम करते हैं मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी रिस्पॉन्स, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, एक कॉमन स्टेटमेंट है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे हम अम्यूनो सुप्रेसेंट इस्तेमाल करते हैं और वो है क्या चीज, वो है साइक्लोस्पोरिन, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से. क्यों? जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम देखते हैं कि रेसिपिएंट और जो डोनर है इसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए. सेकंड, हम देखते हैं कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स 3 out of 6 मैच होने चाहिए. तीसरा, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, जिस जगह पे हम ऑर्गन रखते हैं उसके इर्द गिर्द जो टिश्यू होते हैं वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं. तो हम इसके लिए क्यों MHC, मेजर हिस्टो कंपेटेबिलिटी, हिस्टो टिश्यू को कहते हैं, कंपेटेबिलिटी कंफर्ट को कहते हैं, रिस्पॉन्स जो रिसिपियंट टिश्यू है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो मीन्स की ऑर्गन रिजेक्शन हो सकता है, तो इसको इसे अम्यूनो सुप्रेशन लगाया जाता है और अम्यूनो सुप्रेशन है साइक्लोस्पोरिन. एमसीक्यू दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास है 30. Lymphoid organs are not responsible for destruction of lymphocytes because lymphocytes are destroyed in the tissue against pathogens. 31, which of the following sets include all types of T cells? Option D, killer cells, suppressor cells, helper cells and memory cells. 32, B cell produce antibody in response to the instruction received from helper T cells. 33, what does T stand for? Anti-lymphocyte thymus. Thymus is the part of lymphatic system which is present on the back side of sternum. 34, helper T cells can be distinguished from killer T cell by the presence of CD4 cells. Option D is correct. 35, which of these structures separate the atria of the heart? Septum. A. 36, what is the opening between right auricle and the left ventricle is called? No wall. वहां पे wall नहीं होता. आना. Right auricle का left ventricle के साथ wall नहीं होता. ना, right auricle का right ventricle के साथ wall होता है. गलत है. इतने आसान MCQs वो तो रीड करना चाहिए ना. देखें, ऐसे ऐसे आसान इंसिक्यूज होते हैं ना, एटॉमिक आप सोच भी नहीं सकते. लेकिन मसला क्या होता है, मसला हम इसको आसान बस वो कर ले, कंसिडर कर लेते हैं और बस क्विकली कर लेते हैं, वही गलत हो जाते हैं इंसान से. होश और हवास के साथ करने चाहिए और ये समझना चाहिए कि घर जाएंगे तो खैर नहीं है. नेक्स्ट डे इंसिक्यूज हमारे पास है 37. What is the opening between left atrium and left ventricle zone? Mitral wall. Option A. 38. Which of these is known as the pacemaker of the heart? Sinoatrial node. C. How many types of circulatory pathway are present? 2. Cardiovascular system and lymphatic system. In human being, the duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. So option C is correct. 41. What is the definition of the cardiac cycle? It is a sequence of events that occur during one complete heartbeat, systole and diastole complete. D. 42. Which of the following animal is included in deuterostomes? Penguins. Option C. क्योंकि प्रोटोस्टोम जो है उसमें मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा आते हैं और ड्यूटोस्टोम में कार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा आते हैं. 43. All of the following are triploblastic animal except celenterate. So option C is correct. 44. Which of the following animal is included in protostomes? Nereids. Protostome mein kyon? Kyunki protostome se aate hain mollusca, arthropoda, annelida. Annelida ki example kya hai? Nereids aur arthworm.
ऑप्शन बी इज करेक्ट. 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ड्यूट्रोस्टोम्स? ब्रिटल स्टार. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 46. राउंड वर्म विच हैव द बॉडी कैविटी आर पार्शियली लाइंड विद अ मेसोडर्म आर क्लासिफाइड एज स्यूडोसीलोमेट. सी. 47. वीनस फ्लावर बास्केट बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? स्पॉन्जीज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 48. द लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इनिलिडा ट्रोकोफोर लार्वा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 49. प्लिट हेलमिंथीस आर बायलेटरली सिमेट्रिकल इन ट्रिप्लोब्लास्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 50. द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रेश वाटर मसल इज एनाडोंटा ग्रैंडिस. सी. 51. टॉर्नेरिया लार्वा रिसेम्बल टू बाइफिनेरिया लार्वा. ऑप्शन ए. 52. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? स्पाइडर. इट बिलोंग टू एरेक्निडा. स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन. इंसेक्ट तो नहीं है, क्लासेस है ना, एक इंसेक्ट का क्लास है, एक आपके पास एरेक्निडा है, एक क्रस्टेशियंस है, एक मायरियापोडा है, बहुत ज्यादा क्लासेस है. तो इंसेक्ट के साथ कौन सा एग्जाम्पल बिलोंग नहीं करता? स्पाइडर, बिकॉज इट बिलोंग टू एरेक्निडा. गलत थे. 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव ट्रेट्स ऑफ आर्थ्रोपोड? प्रेजेंस ऑफ विंग्स, बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी आर्थ्रोपोड. 54. कॉमन नेम ऑफ लुलीगो पाइली स्क्विड. ए. द लार्वा ऑफ विलानोग्लोस इज कॉल्ड टॉर्नेरिया लार्वा. सी. 56. द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इज क्रस्टेशियंस आर कॉक्सल ग्लैंड्स. ऑप्शन ए. 57. हर्मोफ्रोडाइट फाइलम इज एनिलिडा. और अगर एनिलिडा ऑप्शन में ना हो तो दूसरा कौन सा होता? प्लेटीहेलमिंथीस. ए. द गॉड सेल ऑफ स्टोमेटा एंड मोनोकॉर्ड इज डम्बेल. और अगर डाइकॉट्स का क्या होता? किडनी शेप या बीन शेप. 59. आउटर वॉल ऑफ द गॉड सेल इज ऑफ थिन एंड इलास्टिक. 60. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ साइनो आर्ट्रियल नोड? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ऑप्शन डी. 61. विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ शुगर? कंपेनियन सेल्स इन सीव ट्यूब्स. ऑप्शन डी. 62. द टिश्यू प्रेजेंट एंजियोस्पर्म बट एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, बोथ ए एंड बी. 63. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन. 64. अ सेट ऑफ जाइलम टिश्यूज आर ए वेसल्स, ट्रकीड्स एंड पेरेन्काइमा. 65. Concentration of water molecule is inversely proportional to that of solute potentials. 66. To decrease the salt potentiality, the guard cell absorbs potassium ion. 67. Attraction of water molecule to xylem vessel is called adhesion. Last MCQ diya hua hai, which of these structure is to close up atrium ventricular node? A, we note option C. Have we aisa jiske 68 marks hon?